Web 3.0, one of the most discussed topics in the world right now. Web 3.0 पे इतने debates और discussions हुए हैं कि tech world के big names जैसे Jack Dorsey और Elon Musk भी इसको लेकर अपने opinions दे चुके हैं। But क्या है ये Web 3.0? चलिए आज की वीडियो में एक सिंपल भाषा में समझते हैं कि हमारे इंटरनेट का फ्यूचर क्या होने वाला है। Web 3.0 is the third version of the internet. First was Web 1.0. It was completely static, जहां पे आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ सकते थे। Basically, interaction was zero. तब का इंटरनेट एक वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम था। हमें सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स के तौर पे ही मिलती थी। बट 2004 में शुरू हुआ वेब 2.0, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं। वेब 2.0 में यूजर्स सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं रहे बल्कि खुद कंटेंट क्रिएटर्स बन गए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स अपना कंटेंट ऑनलाइन क्रिएट और अपलोड करने लगे, जिसके कारण लार्ज वॉल्यूम्स में डेटा और कंटेंट का क्रिएशन होने लगा, जिसको टेक जायंट्स जैसे Amazon, Apple, Google, Meta यानी Facebook और Microsoft कंट्रोल करते हैं। बट Web 2.0 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्राइवेसी एंड टोटल कंट्रोल ऑफ आवर डेटा एंड कंटेंट विद द कंपनीज। इन कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के कारण यूजर्स को लगता है कि उनके पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। एग्जाम्पल के तौर पे कैम्ब्रिज एनालिटिका, जहां कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक यूजर्स के डेटा की मदद से US इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया था। इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट पोस्टिंग से रिलेटेड स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी इंप्लीमेंट किए हैं, जिसकी वजह से फ्री स्पीच का इशू भी सामने आता है। और यहां पर एंट्री होती है वेब 3.0 की, जो प्राइवेसी और फ्री स्पीच की प्रॉब्लम का सलूशन देने का दावा करता है। बेसिकली वेब 3.0 इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट, अनलाइक वेब 2.0 व्हिच इज सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज होने के कारण यूजर्स विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर डेटा, एंड दिस विल एंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर द यूजर्स ऑफ द इंटरनेट। बट वेब 3.0 ये सब कैसे कर पाएगा? वेब 3.0 इज करंटली जस्ट अ कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज सेट टू बिल्ड अराउंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक वैसे ही जैसे क्रिप्टो करेंसीज और NFTs। इन वेब 2.0 आवर डेटा एंड कंटेंट आर सेंट्रलाइज्ड थ्रू सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स, जिसे कलेक्टिवली हम क्लाउड कहते हैं, जिन्हें कुछ टेक जायंट्स कंट्रोल करते हैं। पर इन वेब 3.0 हमारा डेटा और कंटेंट विल बी रिसाइडिंग इन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। इसका मतलब ये होगा दैट आवर कंटेंट विल बी रिसाइडिंग इन मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ अ नेटवर्क, ना कि एक सिंगल सर्वर में, जैसे कि अभी वेब 2.0 में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्री स्पीच। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री स्पीच के लिए कितने भी लेक्चर्स दे दें, बट अल्टीमेटली इसे कुछ ही लोग कंट्रोल करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं। वेब 2.0 में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने फ्री स्पीच को लेकर कई रूल्स फॉर्म किए हैं, जैसे कि ट्विटर। ट्विटर डिसाइड करता है कि आपका ट्वीट ऑफेंसिव है या नहीं, अगर है तो वो आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर सकता है, जैसे कि कंगना रनौत और डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट। After multiple warnings, Twitter permanently suspended their accounts for offensive content. But Web 3.0 में ये rules कौन frame करेगा? कौन decide करेगा कि आपका tweet offensive है या नहीं? Now as you know, Web 3.0 is a decentralized platform. इसीलिए इसे कोई single person और a group of people नहीं manage करते. That means Web 3.0 के social media का कोई CEO नहीं होगा. Decisions एक code लेगा. इसे DAOs कहते हैं, Decentralized Autonomous Organization. DAOs बेसिकली एक स्टेटलेस ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके रूल्स पहले से ही डिसाइडेड होंगे। DAOs में रूल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पहले ही क्लियर कर दिए जाते हैं। जिस तरह वेब 2.0 में सोशल मीडिया गाइडलाइंस होती हैं, उसी तरह वेब 3.0 में DAOs होंगे, जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉन्टेंट रहेगा और कौन सा निकाल दिया जाएगा। वेब 3.0 में आपके कॉन्टेंट पे आपका पूरा कंट्रोल होगा। आपको किसको कंटेंट दिखाना है, उसके लिए कितना चार्ज करना है, ये सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। वैसे ये बातें अभी तो ऑनेस्टली काफी इम्पॉसिबल सी लगती हैं, लेकिन सच तो ये है कि आज जिस इंटरनेट को हम यूज करते हैं, इसे कभी लोग मजाक समझते थे। A couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, Does radio ring a bell? ये सब देख के कुछ लोग वेब 3.0 को the next big revolutionary thing समझते हैं, पर there are some criticisms as well. कुछ लोग कहते हैं कि वेब 3.0 को रेगुलेट करना मुश्किल होगा, जिसके कारण साइबर क्राइम, हेट स्पीच, ऑनलाइन हरासमेंट, द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड अब्यूज इमेजेस और वो सारी चीजें इंक्रीज होंगी, जो साइबर स्पेस में मुश्किलें लाती हैं। एज पर अ रिपोर्ट, क्रिटिक्स वेब 3.0 को क्रिप्टो करेंसी बबल का एक हिस्सा भी बुलाते हैं,
पर सबसे सीरियस क्रिटिसिज्म जो आया है वो है ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी की तरफ से। 21 दिसंबर 2021 को उन्होंने वेब 3.0 के बारे में ट्वीट किया। डॉर्सी का मानना है दैट रेगुलर यूजर्स वेब 3.0 को ओन नहीं करते, बट ओनरशिप वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टर्स के पास है जिन्होंने वेब 3.0 में हेविली इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अगर एक रिपोर्ट की माने तो वेंचर कैपिटलिस्ट हैव इन्वेस्टेड अराउंड $6 बिलियन टिल द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021। इसका मतलब है एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को तैयार करने के लिए सेंट्रलाइज्ड फंड्स का यूज किया जा रहा है। वेब 2.0 में भी तो ऐसा ही हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट जो अभी पूरी तरह से डेवलप हुआ भी नहीं है, उसके ओनरशिप को लेकर ऑलरेडी इतने डाउट्स हैं, तो कौन कह सकता है कि वेब 3.0 एक कंप्लीटली फ्री और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा और इंटरनेट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या फिर वेब 3.0 एक कंप्लीट फेलियर साबित होगा और इंटरनेट की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम वेब 3.0 को यूज करेंगे। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट और मेटा मेटावर्स की तैयारी कर रहे हैं, उससे ये बात तो साफ है कि वेब 3.0 इज डेफिनेटली कमिंग। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वैसे आपको क्या लगता है इस वेब 3.0 के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।